मैच जीतने के बाद भज्जी का बड़ा बयान, मैन ऑफ द मैच बनने पर इन दो लोगों को दी क्रेडिट। चेन्नई सुपर किंग ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ एमएच चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेले गए पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की। मैच में हरभजन सिंह की गुगली ने खासा कमाल दिखाया और सीएसके को जीतने में अहम भूमिका निभाई। मैच जीतने के बाद हरभजन सिंह ने कहा कि मैंने लीजेंड के साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठकर बहुत कुछ सीखा। इस मैच में खेलना मेरे लिए बेहद ही स्पेशल रहा। भज्जी ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने के बाद कहा कि इसका क्रेडिट मेरी पत्नी और मेरी बेटी को जाता है। भज्जी ने कहा कि आप अच्छे स्टार्ट जल्दी नहीं कर सकते जब दूसरी टीम के पास कई सारे बेहतरीन बल्लेबाज हों। एक विकेट लेने के बाद अच्छा लगा और इसके बाद सब आसान हो गया। भज्जी ने आगे कहा कि पहले मैच में मैन ऑफ द मैच पाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा काम जारी रहेगा। भज्जी ने कहा कि कोहली और डिविलियर्स की विकेट गिराकर काफी अच्छा लगा। इसके साथ ही उन्होंने इमरान ताहिर की गेंदबाजी की भी तारीफ की। यह एक अच्छी चुनौती रही और इस तरह बैठना और यह पुरस्कार लेना बेहतरीन है। गौरव की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी की और 17.1 ओवर में ऑल आउट होकर महज 70 रन ही बना पाई। लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी चेन्नई सुपर किंग ने 17.4 ओवर में 7 विकेट रहते इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।